आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपनी फोटो के अंदर डार्क ब्लू सा टोन डाल सकते हो, साथ ही साथ बटरफ्लाई की पीएनजी भी ऐड कर सकते हो। ओवरऑल कुछ इस टाइप की आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। देख पा रहे हो कि ये फोटो देखने में कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। साथ ही साथ आप अपने फेस को स्मूथ भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो। ओवरऑल एक फोटो एडिटिंग में जितना चीज़ चाहिए ना, उतना चीज़ हमने इस वीडियो में यूज़ किया है इस एडिटिंग ट्यूटोरियल को बनाने में। यानी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपनी फोटो को जो है स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिए हैं। स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। अब कुछ इस तरीके के गाइज आपको अपने स्किन को पहले सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी कम कर लेनी है लगभग इतना, एंड ब्राइटनेस को बढ़ा देना है लगभग, इसको हम 10 के अराउंड रखेंगे। बाकी यहाँ से इसको हम स्ट्रक्चर को भी कम कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। अभी गाइज आप फोटो देख पा रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ से हम टूल्स पे दोबारा क्लिक करेंगे सेलेक्टिव पे, एंड इस बार हम कुछ इस तरीके से अपनी हैंड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस बार हैंड पे ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कम कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ स्ट्रक्चर को भी कम कर लेना है थोड़ा सा, तो मैं स्ट्रक्चर को भी कम कर लेता हूँ। बाकी यहाँ से इसको डन कर लेना है। अभी गाइज आप फोटो देख पा रहे हो बिफोर या आफ्टर, तो गाइज देख पा रहे हो स्किन के अंदर ना चमक आ चुका है थोड़ा सा ही, लेकिन आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये रहा ब्लैक एंड वाइट। इस पे क्लिक करने के बाद ये डार्क वाला इफेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसकी ब्राइटनेस लगभग -8 हम रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट को लगभग यहाँ पर हम +6 के अराउंड रखेंगे, ग्लेंस तो पूरा ही कम है तो कम ही रहने देना है। बाकी इसको यहाँ से डन कर लेना है। अभी गाइस देखोगे बिफोर ये आफ्टर, कुछ इस टाइप की अभी फोटो हमारी दिख रही है। अभी आपको एडिट स्टैक पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, यहाँ ब्लैक एंड वाइट पे, देन गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे हो इन्वर्ट पे, तो इन्वर्ट आपको कर लेना है। ठीक है, हाँ तो गाइस इन्वर्ट कर लेने के बाद इसको आपको यहाँ से पूरे अपने स्किन से इसको इरेज कर देना है। ठीक है, मैं 0 कर लिया। अब कुछ इस तरीके से गाइज आपको ना अपने पूरे स्किन से इसको इरेज कर लेना है। ठीक है, लाइक नेक से आपको इरेज कर लेना है, अपने हैंड से इरेज कर लेना है, फेस से इरेज कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो गाइज आप देख पा रहे हो हमने पूरा बैकग्राउंड पे, ओवरऑल पूरा कपड़ों पे, बैकग्राउंड पे सिर्फ स्किन से हमने इरेज किया है। अभी आप देख पा रहे हो कि पूरा जो है डार्क कलर का इफेक्ट, जो मतलब डार्क ब्लैक कलर का इफेक्ट जो है फोटो के अंदर आ गया है। बाकी यहाँ से इसको डन करेंगे, अभी हम यहाँ से बैक जाएंगे। गाइज इतना काम हो जाने के बाद अब आपको टूल्स पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ से स्मूथ टू सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ से स्किन स्मूथ आपको लगभग यहाँ 43 रख लेना है। आई क्लैरिटी आपको बढ़ा लेना है, आई क्लैरिटी लगभग आपको 23 रख लेना है, काफ़ी सही लग रहा है। बाकी इसको यहाँ से डन कर लेंगे। ओके, अब गाइज आपको टूल्स पे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको एक वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, वाइट बैलेंस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, वाइट बैलेंस पे क्लिक करने के बाद इसको टेम्परेचर को माइनस कर देना है। यहाँ आपको मिलेगी टिंट, तो इसे आपको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है, तो टिंट को हम लगभग 13 के अराउंड रखते हैं, एंड टेम्परेचर को लगभग यहाँ से -83 रखते हैं। ओके, इतना काम गाइज आपको कर लेना है, बाकी यहाँ से इसको डन कर लेना है। अभी गाइज आपको एडिट स्टैक पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे, वाइट बैलेंस, देन गाइज आपको ये वाला क्लिक कर देना है पेंसिल वाले आइकॉन पे। अब गाइज आपको दोबारा से इसको इन्वर्ट करना है, एंड सेम प्रोसेस जैसा कि हमने किया, पूरे स्किन से आपको इरेज कर लेना है।
लेकिन इस बार गाइज आपको अपने ना हेयर से भी रिस्क कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आगे के स्टेप मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। हाँ तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो, ये देखो बिफोर ये आफ्टर, आप देख पा रहे हो कि पूरा स्किन पे हमने इसको चला दिया एंड अभी फोटो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी गाइज इसको यहाँ से भी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि हेयर पे ये इफेक्ट जो है ना रहे। तो हेयर से कुछ इस टाइप से गाइज आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। इसको आप परफेक्टली कर सकते हो क्योंकि ये आपके हाथ में, आप ज़्यादा अच्छे से करोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके की आपकी एडिटिंग होगी, ठीक है। फिलहाल गाइज देख पा रहे फोटो कुछ इस टाइप की हमारी लग रही है, यहाँ से इसको हम डन कर लेंगे। अभी यहाँ से बैक जाएंगे, अभी गाइज पूरा फोटो देखोगे, ये देखो बिफोर ये आफ्टर। तो गाइज देख पा रहे हो कितना मस्त यहाँ पे हमारा फोटो एडिट हो चुका है। अभी आपको टूल्स पे दोबारा क्लिक करना है, यहाँ से डबल एक्सपोजर पे जाना है, अभी ऐड फोटो पे क्लिक करके एक बटरफ्लाई की PNG को ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ तो गाइज ये वाला PNG आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं हम इसको एंड इसकी ब्लेंड को आपको यहाँ से लाइटन कर लेना है, ठीक है। लाइटन कर लेने के बाद देख पा रहे हो कि फोटो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कोई से भी मतलब बटरफ्लाई की PNG ऐड कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ सेम आप वैसे ही करो। आप थोड़ा अलग भी कर सकते हो, आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। तो फोटो ओवरऑल बिफोर आफ्टर कुछ इस टाइप की लग रही है जो कि काफ़ी मस्त यहाँ पर एडिट हो गई है। आई होप गाइज आपको एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। So, I will see you in the next video, guys. Love you all. Take care. Bye-bye.